हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है फैशन डिज़ाइनिंग विद सुमन के साथ। आज हम बनाना सीखेंगे शॉर्ट्स। हमने पहले कटिंग किया था, आज हम बनाएंगे शॉर्ट्स। ये देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है जिसमें हम हमारे ये क्रोच एरिया है जिसे हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे, यहाँ पे हम लॉक कर देंगे और उसके बाद हम इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी हम इसे लॉक करेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक हिस्सा है, बैक में हम जब इलास्टिक डालेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे, तो ये हमारा जोड़ वाला फैब्रिक है। तो पहले हम इस जोड़ वाले फैब्रिक को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रोच एरिया को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक को अलग करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। जो हमारा ये बड़ा वाला साइज है, ये देखिए इस तरीके से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला जो साइज है ये फैब्रिक, वो हमारा क्रोच एरिया के पास आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्रोच एरिया है, तो हम इसे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हम रखेंगे, यहाँ हम लॉक करेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। हम दोनों जो हमारे बैक में जोड़ लगने थे, हमने दोनों जोड़ को जोड़ चुके हैं इस तरीके से। अब हम क्रोच एरिया को पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे। हम ये हमारा बैक वाला क्रोच एरिया है, इस तरीके से हम इसे स्टिच करेंगे। और स्टिच करने से पहले यहाँ पे हम पहले लॉक करेंगे अपनी सिलाई को। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो वो खुल जाएगी। इस तरीके से लॉक करते हुए इसको सी लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने क्रोच एरिया भी हम जोड़ चुके हैं फ्रंट और बैक के, और ये हमने ओवरलॉक भी कर चुके हैं इस तरीके से। अब हम डालेंगे बैक में और फ्रंट में छोटी छोटी डार्ट, ताकि एक इनकी सुंदर सी शेप आए। इस तरीके से हम डार्ट डालेंगे दोनों में, बैक में भी फ्रंट में भी। हम इन्हें ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, हम डार्ट डालेंगे। ये देखिए, ऐसे हम ये डार्ट डाल देंगे, जो ये हमारे डार्ट के निशान हैं। इस डार्ट का नाम होता है हाफ डार्ट। हाफ डार्ट हमारे ब्लाउज में, हमारी पैंट की बैक में, हमारे शॉर्ट्स में, यहाँ पे हम हाफ डार्ट का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा हाफ डार्ट होता है। हम डार्ट डाल चुके हैं फ्रंट और बैक में इस तरीके से। इसे हाफ डार्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से ओपन होती है, ये देखिए, और ये हाफ ही तरीके। अगर ये हमारी कुर्ती में, हम बैक में या फ्रंट में जो डार्ट यूज़ करते हैं, उसे हम डायमंड डार्ट या फिर फुल डार्ट कहते हैं, और ये हमारी हाफ डार्ट होती है। अब हमारे अगला प्रोसीजर है, फ्रंट में हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट किस लिए लगाते हैं? हमें थोड़ी सी चाहे पॉकेट मनी रखनी हो उसके अंदर, या फिर हमें अपना मोबाइल यूज़ करना हो। इस तरीके से हम सीधे फैब्रिक पर सीधा रखेंगे, और ये हमने छोटे से निशान लगा रखे ऊपर से हाफ इंच, और इस हाफ से यहाँ तक हम 6 इंच या 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने छोटा सा मार्क किया हुआ है, तो ये मेरा 6 इंच का है, आप 1.25 इंच तक लगा सकते हैं, 6 से 1.25 इंच तक। ये ऊपर से मैंने हाफ छोड़ के है। अब हम यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बस इतने से, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे भी हम लॉक करेंगे सिलाई को, और यहाँ पे भी हम लॉक करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं, ये हमने यहाँ पे अपना फुट रखा हाफ इंच छोड़ के, और इसको यहीं से यहीं लॉक कर दिया, और ये हमारा 6 इंच आ चुका है यहाँ पे। तो हम इसे भी ऐसे ही लॉक कर देंगे। पॉकेट हमें 12x13 का चाहिए, लेकिन मेरे पास कम फैब्रिक है, इसलिए मैंने 12x12 का ही ले लिया है।
ये देखिए हमने इस तरीके से इसे यहाँ पे लॉक किया, हमने ये यहाँ पे हाफ ही छोड़ दिया, ये देखिए इस तरीके से छोड़ दिया है, यहाँ पे लॉक है और ऐसे ये 6 इंच पे लॉक है। अब हम यहाँ पे छोटा सा कट देंगे, ऐसा ही कट हम यहाँ पे भी देंगे ताकि हम इसे सीधा कर सकें। ज़्यादा गहरा कट नहीं देना वरना तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वो कट जाएगी। इस तरीके से ये देखो इस इधर था ये पॉकेट, अब हम इसे ऐसे करेंगे, पलट लेंगे। आप चाहे तो पलटने के बाद आप इस पर प्रेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आप प्रेस का यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी, काफ़ी अच्छा सुंदर भी दिखाई देता है। अगर आपके नेल्स हैं तो आप इस तरीके से इसे कर लीजिए, नेल्स की सहायता से भी ऐसे। अब हम यहाँ पे जो हमने किया है, यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की और यहाँ पे ऐसे इधर ले आएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे एक पैर की एक सिलाई लगाएंगे। और अब इसे ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे सिलाई को। ये देखिए हमने ये एक पैर की सिलाई लगा चुके हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सेम मैचिंग का धागा इसलिए कम नज़र आता। अब उसके बाद काम आता है हमारा ये नीचे से जिसे हम पॉकेट को बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो ये बाहर की साइड दिखाई देगा तो हम इसे ओवरलॉक करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है हम ऐसे करें फैब्रिक को, जो हमारा उल्टा हिस्सा है वो हम अंदर रखें और सीधा हिस्सा हम ऊपर रखें और ऐसे सिलाई लगाएंगे हम। अब इस पर सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हम ये सिलाई लगा चुके हैं, अब हम इसे सीधा करेंगे यानी अंदर की साइड करेंगे ऐसे। ये अंदर की साइड से होके ऐसे हो गया है, देखिए सीधा हो गया। अब आता है हम पॉकेट को अब कैसे लॉक करें ताकि ये पॉकेट बन जाए। जो हमारा यहाँ पे है अब ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है वहाँ पे एक हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और एक कच्ची सिलाई हम यहाँ पे भी लगा लेंगे ताकि ये सही से बन जाए। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों साइड पॉकेट लगा चुके हैं। ये देखिए ये दोनों साइड हम पॉकेट लगा लिए हैं। अब हमारा अगला काम आता है यहाँ पे बेल्ट लगाना। जितना हमारा यहाँ से ले और यहाँ तक का जितना भी कपड़ा है उसी हिसाब से हम बेल्ट कट करेंगे, उसे हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे। तो हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये हमारा बेल्ट है जो हम टेल्को ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इस तरीके का ये 1.25 इंची हमारा बेल्ट है और जितना हमारा ये फैब्रिक है उतना ही हम ये बेल्ट काटेंगे। आप चाहे तो इंची टेप से भी माप सकते हो और आप ऐसे भी माप सकते हो जितना आपका बेल्ट है, इस तरीके से आप माप ले। यहाँ पे ये आपका बेल्ट है और इसे यहाँ से कट कर दीजिए। आप इसे अब फैब्रिक पर चिपका लेंगे, सेम फैब्रिक पर जो हमारी शॉर्ट्स का फैब्रिक है जो हमारे पास बचा हुआ है उस पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ये क्वालिटी में काफ़ी अच्छा बेल्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, कम से कम
3 साल तो आराम से हो गया इसे यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छा है। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ से आता है, मैं एक शॉप से ही लेती हूँ। आई थिंक ये आता तो दिल्ली से ही होगा, सदर वगैरह से, लेकिन मैं एक शॉप से ही लेती हूँ। ऐसा कोई मेरा वो नहीं कि मुझे इसे प्रमोट करना है। हमने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है इस तरीके से, प्रेस की हेल्प से। अब हम इसे लगाएंगे, हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और ये जो हमारा ये वाला है इसे हम यहाँ पे रखेंगे और ऐसे लॉक करते हुए हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट स्टिच कर लें। ये देखिए हमने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब ये स्टिच हो गया है, अब हम इसे ऐसे करेंगे और इस वाले को इसके ऊपर ऐसे रख के किनारी वाली आप सिलाई दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं, पैर की भी लगा सकते हैं, कैसे भी जैसे आपको अच्छा लगे। हम इस पे ऐसे किनारी वाली सिलाइयाँ दे देंगे। इस तरीके से रखते हुए हम इस पे सिलाई देंगे। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये सिलाई लग चुकी है अब कम्प्लीटली। अब हम इस पे जो हमारा बैक वाला हिस्सा है वो रखेंगे और ये वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बैक हिस्सा है, क्रोच एरिया हमारा बीच में है, ये हमारा साइड है, तो ये साइड सीम लगेगी जिसे हम साइड सीम कहते हैं। इस तरीके से हम ये साइड सीम लगाएंगे और फिर हम इस पे ओवरलॉक करके यहाँ ऊपर की साइड इस फैब्रिक में हम रबड़ लगा देंगे इस तरीके से। हम साइड सीम लगा चुके हैं और ओवरलॉक भी कर चुके हैं। ये देखिए ये हमने साइड सीम भी लगा ली है और ओवरलॉक भी कर लिया। अब हम यहाँ पे इसमें रबड़ डालेंगे। रबड़ हम कितना डालेंगे, जितना हमारा बैक है उसका हाफ, यानी ये यहाँ से और यहाँ तक लगाएंगे रबड़ जितना हम लेंगे, और ये हम नहीं लेंगे, इसका हाफ लेंगे, इस टोटल का हाफ लेंगे जितना ये है। तो हम इस तरीके से माप लेंगे रबड़ को भी, जैसे हमने पेस्टिंग को नापा था ऐसे रखेंगे और यहाँ तक ये इसका हाफ है, और हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हम इसमें रबड़ लगाएंगे। आप ऐसे रखेंगे तो ये बाहर निकलेगा बाद में, जैसे कि आपने ऐसे रखा और इसको ऐसे करके सिलाई लगाई तो ये बाद में बाहर निकलेगा। इससे अच्छा आप इसे इसके अंदर रखिए, इसके अंदर ऐसे रखिए ऐसे, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। और आप इसे ऐसे भी अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए आप ऐसे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड कीजिए। सिलाई को हमेशा आपको लॉक करना है, ऐसा नहीं है कि बगैर लॉक किए आप सिलाई लगा देंगे, नहीं, जहाँ पे भी आप सिलाई लगाएंगे पहले उसे लॉक करेंगे अच्छे से, उसके बाद आप यूज़। अब ये वाला हिस्सा बचा है हमारा, ये हिस्सा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैसे ही सेम जैसे कि हमने पहले वाला किया है। अंदर की साइड हम इसे ऐसे करेंगे और ऊपर से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमारा किनारा वो हमारी बेल्ट से मिलता हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप नीचे लगा दें या ज़्यादा ऊपर लगा दें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको हमारी जो अपनी बेल्ट है उसी से किस सीध में हमें सीधा में इसे लगाना चाहिए। इसे भी हम अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ऐसे लॉक करेंगे। आपको बार बार अपने हाथों से फैब्रिक को ऐसे भी करना ताकि ये नीचे की साइड सिलाई में एक्स्ट्रा दब ना जाए। अब ऐसे जितना कि ये है ये वाला थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करेंगे यहाँ से और इसको ऐसे करेंगे और ऐसे सिलाई लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। और अब हम ये जो हमारा रबड़ है इसे हम थोड़ा सा ऐसे आगे की तरह ऐसे सरकाएंगे
और फिर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम पूरा जो रबड़ है हमारा, जो इलास्टिक है, उसे हम डालते हुए चलेंगे और ऐसे धीरे धीरे सरकाएंगे, जैसे कि हमारा बैग में फिर फैब्रिक इकट्ठा होता चला जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे यूज़, इसको लगाना सीखेंगे। अब फिर से हम इसे आगे की साइड कर लेंगे ऐसे, ताकि ये सही से लग सेट हो जाए। ऐसे ही हम सारा कर लेंगे। अब देखिए ये ऐसे लग चुका है, लेकिन ये देखो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो अब हम इसे ऐसे खींचकर एक सिलाई लगाएंगे इसके बीच में, और ये फिर काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसे। इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे हम ऐसे आपस में, इसको ऐसे खींच के सिलाई देंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये इस तरह से इसका ये बनता हुआ आ जाएगा। ये सिलाई लग चुकी है बीच में और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब आ जाता है हमारा बॉटम का एरिया, और बॉटम के एरिया को हमने प्रेस से ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम बॉटम को फोल्ड करके इसको, हमने बॉटम की सिलाई को लगा चुके हैं इस तरीके से दोनों को। अब हम बॉटम का हाफ लेंगे, बॉटम जो हमारी है उसका हाफ लेंगे। देखिए बॉटम हमारी 24 इंच है, हम 24 का हाफ लेंगे 12। ऐसे, और हम इसे यहाँ से सिलाई लगाते हुए क्रोचेरिया को अब बंद करेंगे। आप चाहे तो पहले सिलाई लगाकर इसको बाद में फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका वही है कि आप इसे पहले सिलाई लगाएं और बाद में फोल्ड करें। मैंने इसे पहले फोल्ड कर लिया, अब बाद में सिलाई लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से सिलना चाहते हैं, तो इसका सही तरीका वही है कि आप पहले इसे सिलें और फिर इसे फोल्ड करें। हम ये सिल चुके हैं इस तरीके से बॉटम को, और ये ओवरलॉक भी हम कर लिया है। अब ये बिल्कुल सिल चुका है। अब हम दिखाते हैं इसको सीधा करके कि ये कैसा बना है। ये देखिए ये इस तरीके का बना है। अब ये देखिए ये हमारी पॉकेट है इस तरीके से, ये हमारी दूसरी साइड की पॉकेट है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये अच्छा लगा होगा। सिलने में भी ये काफ़ी आसान है। इसी तरीके से हम सिल लेंगे इसे, और फिर ये बनकर इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।